Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Mera. जनहित से जुड़े पल्लवपुरम मामले में जिलाधिकारी व अन्य तमाम प्रशासनिक अफसरों की चुप्पी ने तमाम संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। शीलकुंज के बिल्डर की मनमानी के खिलाफ पिछले 5 माह से धरने पर बैठे क्षेत्रीय नागरिकों ने आज प्रेस वार्ता कर सवाल खड़े किए कि क्या कारण है कि जिलाधिकारी दीपक मीणा भी जनहित से जुड़े इस मामले में खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। तमाम तथ्य को नजरअंदाज कर बिल्डर अजय गुप्ता के पक्ष में एक तरफा निर्णय देने वाले एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने के फैसले को पलटवाने के लिए डीएम ने जो आश्वासन दिए थे वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं? पल्लवपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने खुलकर आरोप लगाए कि डीएम ने उनके साथ धोखा दिया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि पश्चिमी बंगाल राज्य पोषित गुंडागर्दी के तहत जो हाल संदेश खाली में हुआ, क्या पल्लवपुरम में भी संदेश खाली बनाने की कोशिश की जा रही है? इन लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान एक लिस्ट भी जारी की जिसमें बिल्डर अजय गुप्ता के खिलाफ 49 मुकदमे होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि पल्लवपुरम में चार दीवारी का एक हिस्सा तोड़कर बिल्डर अजय गुप्ता द्वारा गेट लगा दिया गया है। ऐसा कर बिल्डर प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। इसका विरोध करते हुए क्षेत्रीय नागरिकों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 14 फरवरी से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से हताश होकर आज पल्लवपुरम के वासिंदों ने मीडिया से यह कहते हुए वार्ता की कि अब उनकी आवाज हुकुमरान तक पहुंचाने का सिर्फ यही माध्यम बचा है। पल्लवपुरम में अधिकांश घरों के बाहर प्लान के पोस्टर भी लगे हैं, लेकिन प्रशासन आंख बंद किए हुए है। देखिए, हमारा ये आज का प्रेस वार्ता सामान्य वार्ता से थोड़ा सा भिन्न है। प्रेस वार्ता में मुख्य उद्देश्य रहता है एक मैसेज कन्वे करना या अपनी बात का उजागर करना, उसको पब्लिक करना। यहाँ हमारा वो उद्देश्य तो है ही, साथ साथ हमारा ये उद्देश्य भी है कि आप भले ही अपनी लेखनी से पूरा न कर पाए, लेकिन मन से और समझ से आप हमारे साथ जुड़ें, हमारी समस्या को आप समझने का प्रयास करें। ये समस्या हम आपके सामने जो रख रहे हैं, समस्या ये है कि अभी जो परिदृश्य है वो हम अभी, जैसे गौरव भाई ने बताया कि एक बिल्डर है जो परेशान कर रहा है, दीवार तोड़ करके रास्ता बनाना चाहता है, वो समस्या तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा दुख हमारा प्रशासन इतना असंवेदनशील है कि उसकी बात के लिए तो वो हर बार खड़ा हो जाता है और हमारे लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, उसके दिल में कोई जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व वो नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो असंवेदनशीलता है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा, आप जानते हैं 12 साल में तो वैसे भी यदि आपका सही ना हो तब भी इजमेंट ऑफ राइट के अंतर्गत सही हो जाता है। ये तो बनी बनाई हमारी वॉल थी, इसको देख करके लोगों ने एडिट एडवांटेज देख करके इसका लाभ लेते हुए अपने घर खरीदे। अब उसके बाद ये शीलकुंज कॉलोनी बनी, शीलकुंज कॉलोनी बनाने के टाइम पर उसने आजू बाजू के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसे कभी ये शायद अंदाज भी नहीं होगा कि भविष्य में वो बाजू वाली जमीन खरीद के दोबारा कोई नई कॉलोनी भी विकसित करेगा। तो उस वक्त तो उसने उसके रास्ते बंद कर लिए, और अब जब वो दूसरी जमीन उसके बाजू में खरीदी तो वॉल के दक्षिण में कॉलोनी है, उसके सी और बी ब्लॉक के बीच की जो आंतरिक सड़क है, उस आंतरिक मार्ग को वो अपने लिए प्रवेश द्वार बनाना चाहता है। और ये प्रवेश द्वार मिलने का मतलब है कि उसको कई गुना उसके दाम बढ़ जाएंगे। और इसमें मदद कौन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कामों में उसको मदद कौन करता है? यहाँ का प्रशासन। हमें सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि वही प्रशासन जब हम उसके पास जाते हैं कि साहब वो हमारे दीवार तोड़ रहा है, तो हमसे कहता है कि नहीं, वो तो उसको अधिकार दिया है एसडीएम ने। और जब हम कहते हैं कि एसडीएम इस तरह का आदेश नहीं दे सकता, उसका आदेश धारा 133 के अंतर्गत नहीं है, तो कहते हैं ऐसा कोई आदेश तो होते रहते हैं, ये आदेश नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया है। और हमें फिर जब हम कहते हैं कि हम भी उसको बना लें,
तो फिर पुलिस कहती है कि नहीं साहब, वो तो आदेश है उसके फेवर में है, आप यदि करोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या ये जिस तरह की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है कि वो चाहे तो सड़क पे खड़े होकर के एसडीएम को सड़क पे खड़े खड़े कह सकता है मेरे फेवर में एक ऑर्डर लिख दो, और वो खड़े खड़े ऑर्डर लिख दे, उसको फेवर करे, और हम जाएं पूरा ग्रुप का ग्रुप जाए, सारे सीनियर सिटीजन जाएं और वहां जाकर के डीएम से मिले, तो कहता नहीं ये तो कोई आदेश नहीं, ऐसे तो हम करते ही रहते, आप हमारे लिए क्यों नहीं कर देते इसी तरह का आदेश। तब कहते हैं कि नहीं वो अभी आप ऐसा करिए कि इसके लिए आप सिविल कोर्ट चले जाइए। तो हमारे लिए तो सिविल कोर्ट का रास्ता है, उसके लिए आप सड़क पर खड़े होकर के ऑर्डर बनाने के लिए तैयार हैं, और वो भी इलीगल। ये एक आदेश उसने जो पारित किया है उसकी कॉपी यदि हमारे कोई बंधु देखना चाहेंगे तो मैं लेके आया हूं। मेरा दावा है कि इस एसडीएम ने जो आदेश पारित किया है उसके अंदर 13 प्रकार की गलतियां हैं। ऑर्डर एक है और उसके अंदर 13 गलतियां हैं, और उन 13 गलतियों में सारी लीगल गलतियां हैं। उन गलतियों को बताया डीएम को, चिट्ठी लिख के दी डीएम को कि आपके एसडीएम ने ऐसा ऐसा आदेश पारित किया है, ये इलीगल है, उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, उस पर एक्शन होना चाहिए। वो आज भी एसडीएम बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम ने एसडीएम के उस आदेश का आड़ लेकर के वो बिल्डर ने दीवार का मुंह तोड़ दिया उतना हिस्सा, और वहां पे अपना गेट खोल दिया। हुआ ये कि 242 नंबर का जो एक केस 2023 में उसने लगाया था, उसमें जब उसे ठीक से जल्दी से फैसला नहीं मिला तो उसने 6C2 CRPC के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत राहत मांगी, और उसने वही सारी बातें लिखी जो उसने 242 में लिखी थी। कोर्ट ने उसने कहा जल्दी कर दीजिए, तो कोर्ट ने उसको कहा कि ये सारे जितने तर्क तुमने दिए हैं एक भी तर्क इसमें मान्य करने योग्य नहीं है, इसलिए इसको डिसमिस किया जाता है। एक सस्ते से अधिकारी को पकड़ा जो आसानी से अवेलेबल हो गया, और उससे उन्होंने कहा कि हमें आप एक ऐसा आदेश कर दो कि ये दीवार बनवा दो, ये दीवार तोड़वा दो हमारी। तो उन्होंने दीपक शर्मा नाम के किसी आदमी से एक दरखास्त लिखवाई, और उस वही दरखास्त को ऑर्डर शीट में ऑर्डर में लिखा गया, ये दरखास्त आई वही ग्राह्य हो गई। इसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए ये 9 लोगों की समिति बनाता हूं, और ये 9 लोग जाएं और वहां जाके देखें, यदि वह रास्ता बंद है तो उसको खुलवा दें। एक ही आदेश में, और वो भी धारा 133 में नहीं है, उप जिला अधिकारी ने आदेश किया है, एसडीएम को ही अधिकार है, वो भी 133 में है, उसमें 133 का कोई उल्लेख नहीं, उसमें एसडीएम का कोई उल्लेख नहीं, उसमें उसने दूसरी पार्टी को सुना नहीं, दूसरी पार्टी को कोई नैसर्गिक मौका मिलना चाहिए, उससे सुनाई कोई नहीं करी। 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट की गलतियां हैं, वो हमने पॉइंट आउट करी, उसको भी लिखी कि कहां से पढ़ के आए हो, कौन से कानून से तुमने ये किया है बता दो, उनका कोई जवाब नहीं आया। डीएम को लिखा इसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसको सस्पेंड करो, कुछ नहीं हुआ। जब आरटीआई का जवाब नहीं मिला 30 दिन के भीतर, तो हमने डीएम को अपील करी कि आपका एसडीएम हमको कॉपी नहीं दे रहा, डीएम ने हमारी अपील नहीं सुनी। तो हमें तो अधिकार जिसमें है, जो चीज हमें अधिकार से मिल जानी चाहिए, हमें तो वो नहीं मिल रही। तो ये शासन प्रशासन की मैं नंगा करना चाहता हूं आपके सामने, प्रशासन को मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि प्रशासन किसके साथ है, पब्लिक के साथ है या ऐसे ऐसे लोगों के साथ है। वहां 4 महीने से लगातार ये महिलाएं, ये जितनी बच्चियां बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, ये 4 महीने से लगातार वहां बैठी हैं। गर्मी है, सर्दी है, इतना ऐसा मौसम है, उसके बावजूद ये आंदोलन लगातार चल रहा है। पत्रकार महोदय मुझे ये बताएं, हम गलत हो सकते हैं, हमारा परसेप्शन गलत हो सकता है, हम गलत मांग कर रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमसे पूछने तो आओगे कि क्यों बैठे हो, और तुम तो गलत बैठे हो, ऐसा ही पूछ लेते आके हमसे, कोई नहीं आया। पैसा एक ऐसी चीज है जो सारी चीजें उपलब्ध कराता है, सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बिल्डर है अजय गुप्ता, अजय गुप्ता जी के शीलकुंज कॉलोनी के भी 16 शिकायतों की जानकारी मुझे है जो सीएम तक जाती है, और एक की जांच नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम, यदि नगर निगम भी सो रहा है, नगर निगम भी प्रशासन का हिस्सा है, नगर निगम की दीवार तोड़ी या एमडीए की दीवार तोड़ी, तो आपका कहना सही है कि उनको भी खड़ा होना चाहिए। एक बार उन्होंने कह दिया था, एक बार का ऑर्डर है उनका, इसमें एमडीए का एमडीए का है,
एमडीए का है, एमडीए ने कहा कि ये हमने बनवाई थी तो बने रहना चाहिए। हम पहले आपको बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन किस तरह से, या प्रशासन की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे बुजुर्ग हैं वहां, जितने लोग रहते हैं सारे बुजुर्ग हैं, और एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और राज्य सरकार की भी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिम्मेदार डीएम और इनको बनाया गया है और एक पॉलिसी बनी हुई है उनकी सुरक्षा और उनके जान माल की सुरक्षा के लिए। इस व्यक्ति के खिलाफ 100 के करीब मुकदमे हैं। अब हमारे तो संसाधन बहुत कम हैं, हम इतनी जानकारी, ये फुल टाइमर ना तो हम खोजी पत्रकार हैं, 49 की सूची तो मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ 49 केसेस, जिसमें 3-4 तो हमारे जुड़े हुए नहीं है, वो जोड़ लोगे तो 52 हो गए, 52 केस की सूची तो मेरे पास है जो इसके विरुद्ध चल रहे हैं। तो 52 केस क्या कम है किसी को भूमाफिया घोषित करने के लिए? अजय गुप्ता एंड हिज कंपनी, जिसमें चरवाहों की जमीन जो सरकारी होती है, सरकारी जमीनों को कब्जाने के भी मुकदमे इसके ऊपर अब से नहीं, लगभग 16 साल से चल रहे हैं। बहुत बड़ी लैंड, आपके ही अखबारों ने उसको बड़ा प्रमुखता से उस समय पर छापा था, जिसमें इसने चरवाह की जमीन, जो बहुत बड़ी लैंड थी, वो आज की तारीख में उस जमीन की कीमत 100 करोड़ से ऊपर की होगी, वो सारी दबाकर अपनी कॉलोनी के बीच में सब बेच दी। नहीं, हम उठाएंगे कदम, लेकिन उस कदम का अनुमोदन आपसे चाहते हैं, मैंने इसमें लिखा भी है, मैं प्रेस से भी अनुमोदन चाहूंगा, क्या इन इस एज ग्रुप के लोगों से, मेरे जैसे एज ग्रुप के लोगों से प्रशासन और हमारा चौथा स्तंभ भी ये उम्मीद करे या ये सोचे कि ये लोग सड़क पे निकल जाएं, हम लोग अच्छे लगेंगे, हम सफेद बाल लेकर के 82, 80, 82, 85 साल के लोग सड़कों पर आंदोलन कर सकते हैं? हमारे साथ युवा वर्ग, हमारे बच्चे नहीं रहते वहां, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, ये समाज का जब कोई जिम्मेदारी नहीं, यदि आज हम अकेले अकेले रहते हैं तो हम ही को निकलना पड़ेगा सड़क पे, आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, हम निकलेंगे, हमने लिखा है कि नहीं होगा तो यही करेंगे। उस दिन फिर शर्म से इस पूरे समाज की आंखें झुकनी चाहिए कि ये बूढ़े लोग सड़क पे क्यों घूम रहे हैं, ये क्यों धक्के खा रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये संसाधन, ये रिसोर्सेज सारे जब विकसित हो रहे थे उनका सबका पैसा आवंटियों से लिया गया है, आवंटियों ने अपने धन राशि से ये विकास किया है पूरी कॉलोनी का। अब उस विकसित कॉलोनी के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, सड़क है, पार्क है, या कुछ भी है, लाइट है, बिजली है, खम्भे हैं, वो एक आदमी रातों रात डकैती डाले, रास्ता खोल ले और हमारे संसाधनों को साझा कर ले, इसी में वो एसटीपी नहीं बनाई उसने, एसटीपी भी इसी में जोड़ रहा है, पिछली बार एसटीपी का झगड़ा हुआ था, सारी गंदगी मलमूत्र अपनी कॉलोनी का हमारी कॉलोनी में जोड़ने के लिए घूम रहा है, तो हम ही ढोएंगे ये सब? क्यों ढोएं? हमारी पल्लोपुरम की एसटीपी पहले ही ओवरलोड चल रही है, उसकी जो क्षमता है उससे 3-4 MLD ऊपर चल रही है, जिससे अधिकांश रूप में हमारे जो सीवर है वो चौक हो जाते हैं बरसातों के मौसम में, वो अपनी भी बहुत, क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ी डेवलप हो चुकी है, लगभग इस टाइम 1400 परिवार 1500 परिवार वहां भी आ चुके हैं, वो अपनी वाली एसटीपी का जो ना बनाकर अपनी जो सीवर लाइन है वो भी हमारी वाली एसटीपी में जोड़ना चाहते हैं। उस नई जमीन को कनेक्ट करने के लिए भी 3 रास्ते हैं। फिलहाल जो पत्रकार बंधु वहां पहुंचे थे उनको मैंने बहुत अच्छा अवलोकन भी कराया था, उसने वो छुपाने के लिए कच्ची गारा से वहां पर एक दीवार खड़ी कर दी है, ये जिससे वो रास्ते दिखाई ना दे। एक बात और है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी कतई नहीं है, यदि किसी के पास रास्ता नहीं है, रास्ता उसे खरीदना पड़ता है, रास्ता देना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती। हमारे साथ धोखा हुआ, धोखा ये कि हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और ये जानते हुए भी कि हमारा दिल दिमाग सारा भाजपा के साथ है, फिर भी पत्थर रख के हमें मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। निर्णय लिया तो डीएम ने 25 बार कम से कम हम लोगों को बोला, उनके घर पे बुलाया और हमसे वादा किया, ये इसमें रिजोल्यूशन पास किया है जो हमने, उसमें रिजोल्यूशन में वो सारी बात मैंने लिखी है, डीएम ने क्या क्या वादे किए, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, वहां से जैसे इन्होंने बताया भी गौरव जी ने, वहीं से हम लोगों ने उन्हें जिताया और आज वो हमसे बात नहीं कर रहे, ये धोखा है हमारे साथ। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया हम आपके साथ हैं, और ऊपर से हमको भेजा गया, वो कितने ऊपर से आए थे नहीं मालूम, ऊपर जाते जाते वापिस आए थे या ऊपर से भेजे गए थे मालूम नहीं,
लेकिन उन्होंने कहा मैं ऊपर से आया हूँ, वो ऊपर से आए थे लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा हमारा। उसके अलावा एक विषय और बताऊंगा अभी आपको, लेटेस्ट में पिछले 15-20 दिन के अंदर जो धरने पर हमारे बुजुर्ग लगातार बैठ रहे हैं, दो व्यक्ति वहां पर हार्ट अटैक से जिनकी दो की मृत्यु हो चुकी। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर वो धरना स्थल पर ना होके अपने घरों में हो गई। बिल्कुल दोनों स्वस्थ थे, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, एक और रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनकी बिटिया जज है इस समय पर, मिस्टर यादव है, बीएल यादव, और मिस्टर इंद्रपाल वालिया रिटायर्ड इंस्पेक्टर। उनकी दोनों की अचानक मृत्यु हो गई, जिनके परिवार का ऐसा मानना है कि भाई क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत टेंशन में थे तो उसका भी असर उनके सेहत पर अचानक गया। बिल्कुल स्वस्थ थे, उनके घर पर इन लोगों ने बिल्डर के आदमियों ने पत्थरबाजी भी करी थी, पुलिस के संज्ञान में है वो, कोई FIR पुलिस ने नहीं लिखी थी, हमने उसकी रिटेन में शिकायत भी करी थी। बड़े बड़े बिल्डर भी बहुत हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात इस व्यक्ति में है कि इसके खिलाफ आज तक की गई शिकायतों में से एक की भी जांच नहीं हुई, जो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे गई और यहां तक आई तो वो बिना जांच के उसमें लिख दिया गया जांच की गई निक्षेपित की जाती है, और मैं दावे के साथ कहता हूं एक की भी जांच दिखा दे वो कि कहां हुई थी वो जांच 100% को। तो ये प्रशासन किस तरह से बिका हुआ है कि क्या है, क्यों खड़ा है इस तरह से उनके साथ। तो हम लिमिटेशन के साथ साथ आपकी उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहां इनवाइट किया था। ममता दीदी के यहां एक संदेश खाली बहुत चला कि वहां पर प्रशासन से पोषित अपराध है, अपराधी प्रशासन के बाहों में पल रहे हैं। साहब आप एक बार तो आप क्या छोटा सा संदेश खाली यहां नहीं दिखाई दे रहा है? जिस तरह के सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक आदमी को आप जांच भी ना करो तो क्या मतलब है? हम शिकायत कर रहे हैं आप रखते जा रहे हो, हम शिकायत करते जा रहे हैं आप रखते जा रहे हो। चीफ जस्टिस को भेजने के लिए, देखिए आपने ठीक कहा, चीफ जस्टिस कभी कभी तो एक छोटे से पत्र को भी पिटीशन मान लेता है और कभी कभी बहुत बड़े पिटीशन को भी पिटीशन नहीं मानता है। तो हाँ, तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। हम लोग कब तक मुकदमा, आप तो जानते हो कब तक लड़ेंगे उस मुकदमे को। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।